टेंथ क्लास के मेरे प्यारे प्यारे शूरवीर बच्चों, सब लोग ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सब लोग भी ठीक होंगे और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और एक नई वर्कशीट, एक नया दिन और एक नई वर्कशीट। बेटा, हर दिन हमारा नया होना चाहिए और नए दिन के साथ नई शुरुआत और नई वर्कशीट। आज की वर्कशीट 22/7/2021 के लिए, आज की तारीख 22/7/2021, वर्कशीट नंबर 7, क्लास 10, और आज का उपविषय है संसाधनों का संरक्षण। ठीक, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, हमें थोड़ा सा वर्कशीट की प्रिंटिंग में ना डेट और क्लास का थोड़ा फ़र्क आ गया, तो तुम्हें हिंदी वाली वर्कशीट देखकर कर लेनी है। ये साथ साथ इसको नहीं पढ़ना है, इसको तुमने 22/7/2021 ही पढ़ना है। ठीक, और इसको क्लास 8 नहीं पढ़ना है, इसको क्लास 10th पढ़ना है। बाकी वो सब सेम है। वर्कशीट नंबर 1 नहीं है, वर्कशीट नंबर भी 7 है। इन तीन चीज़ों को तुमने हिंदी की वर्कशीट से देखकर पढ़ना है। एक तो वर्कशीट नंबर, एक डेट और एक क्लास। टॉपिक ओके है, टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। अब ये संसाधन क्या होते हैं, ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हर वो चीज़ जो हमारे काम आती है, हमारा काम चलाती है, हर वो चीज़ संसाधन है। हमने पैर में जूते चप्पल पहने, वो भी संसाधन है। हम कंघी से बाल बनाते हैं तो कंघी भी एक संसाधन है। पंखा चल रहा है, हमें हवा दे रहा है, वो भी संसाधन है। तुमने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ, ये भी संसाधन है। खेती करते हैं, मिट्टी भी संसाधन है। कहीं कहीं तो मकान टूटने के बाद जो मलबा निकलता है वो भी संसाधन होता है भाई, लेवलिंग करने के काम आता है। हर एक चीज़ संसाधन है। जो घर के तुम कूड़ा कचरा छिलके फेंकते हो सब्जियों के, वो भी संसाधन है। जानवर खा लेते हैं उन्हें। और जो टूटे फूटे कटे फटे पत्ते होते हैं, सड़े गले पत्ते, वो भी संसाधन है, उनकी खाद बन जाती है। तो हमारे जीवन में हर एक चीज़ संसाधन है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारे काम ना आए। अब संसाधन देखो, संसाधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पहली लाइन यहाँ पर क्या दी है, किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। हर देश का एक टारगेट होता है तरक्की करना। हर व्यक्ति भी तरक्की चाहता है और देश भी तरक्की चाहता है। तो किसी भी व्यक्ति को तरक्की करनी है, किसी भी देश को तरक्की करनी है, तो उसे संसाधन चाहिए। देश में नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी तभी देश तरक्की करेगा, सड़कें बनेंगी तभी देश तरक्की करेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, मशीनें बनेंगी तभी तो देश तरक्की करेगा। और ये सब चीज़ें बनाने के लिए, चाहे बिल्डिंग बनानी है, मशीन बनानी है, घर बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाना, हमें संसाधन की आवश्यकताएँ होती ही होती है। जैसे हम कहते हैं लोहा एक संसाधन है, तो हमें लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। हमें बिल्डिंग बनानी है तो भी लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, हमें मशीनें बनानी है तो भी लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोहा तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें बताया, लेकिन हर एक चीज़ हमारे जीवन में संसाधन है और हमें संसाधनों की आवश्यकता होती ही होती है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें संसाधन चाहिए, बिना संसाधनों की तरक्की नहीं होती है। अब ये संसाधन हमें देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहाँ कहाँ चाहिए। हमें कृषि में चाहिए, उद्योग में चाहिए, परिवहन में चाहिए। ऊर्जा संसाधन तो हमें बहुत चाहिए। अभी देखो पेट्रोल, हर चीज़ में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, बिजली चाहिए, तो इसके बिना तो तरक्की हो ही नहीं सकती। अब ये बातें हमें सोचना समझना क्यों ज़रूरी है, अभी संसाधनों के बिना तरक्की नहीं हो सकती, तो खूब इस्तेमाल करो संसाधनों को, तरक्की करो। लेकिन बेटा इसमें ना एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और वो प्रॉब्लम क्या है, संसाधन सीमित हैं। ठीक, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास है ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। मीन्स इनकी एक सीमा है। जैसे अगर कभी तुम शादी पार्टी में जाते हो तो वहाँ पर खाना तो बहुत सारा होता है, पूरी सब्जी हलवा छोले बहुत सारा होता है, लेकिन तुमने कभी कभी नोट किया होगा कि वहाँ पे ना आइसक्रीम या गुलाब जामुन वो सीमित होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं।
तुम अपनी थाली में पूरी 2 रखो, 10 रखो, कोई मना नहीं करेगा। छोले से प्लेट भर लो, कोई मना नहीं करेगा। चावल खूब सारे डालो। लेकिन तुमने देखा होगा कि जहाँ पर गुलाब जामुन होते हैं या आइसक्रीम होती है, वहाँ पर एक व्यक्ति ज़रूर होता है और वो सबको थोड़ी थोड़ी दे रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पार्टी में गुलाब जामुन या आइसक्रीम सीमित होती है, लिमिटेड होती है, उसको हम अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ सीमित होती है वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे धरती पर संसाधन सीमित है। धरती के नीचे पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम सीमित है। हम उस पेट्रोल को चाहे 2 दिन में ख़त्म कर दें, चाहे 2000 साल में ख़त्म करें, वो लिमिटेड है, उतना ही रहेगा। अब हम उस संसाधन का जुडिशियस यूज़ करेंगे, सावधानी से प्रयोग करेंगे, तो वो चलता रहेगा। और अगर हम उसे जल्दी से ख़त्म कर देंगे, पूरा हम उसको ईट अवे कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा और हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हमारे घर में एक कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है। कड़ी पत्ता समझते हो ना, मीठी नीम भी बोलते हैं। सांभर बनाते हैं उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना जरूर कि कड़ी पत्ता क्या होता है। तो हमारे घर में कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है और उस कड़ी पत्ते के पेड़ में 10-12 टहनियाँ आई हुई हैं। घर में जो लगा होता है उसमें लगभग इतनी आती हैं। अब जब हम घर के अंदर पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, तो हम एक टहनी को तोड़ के उसमें डाल देते हैं। ज़रूरत पड़ती है 2 को तोड़ के डाल लेते हैं। होता क्या है कि अगर हमें 10 दिन 15 दिन बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम 1 या 2 टहनी तोड़ लेते हैं। मीनवाइल उसमें नई टहनियाँ उग जाती हैं। तो ऐसे क्या होता है, हम सालों साल उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, नई टहनियाँ उगती रहती हैं और हम 1-1, 2-2 टहनी तोड़ते रहते हैं। अगर हम एक दिन लालचवश उसकी सारी टहनियाँ तोड़ डालें, सारे पत्ते तोड़ डालें, तो क्या होगा, हमें कितनी टहनियाँ मिली, जितनी उस पर हैं 10 या 12। उसके बाद क्या होगा, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो संसाधनों का अगर हम ध्यान से इस्तेमाल करें तो वो संसाधन बचे रहते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया, इस तरह से संसाधन को प्रयोग करने को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत और पोषणीय विकास की खास बात होती है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें, हम रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करें कि हमारी आज की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हमारी प्रेजेंट नीड्स फुलफ़िल हो जाएं और फिर भी संसाधन बचे रहें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए। यानी हम धरती पे पेट्रोल का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पेट्रोल बचा रहे। ऐसा ना हो हम सारा पेट्रोल ख़त्म कर जाएं, सारा कोयला ख़त्म कर जाएं और आगे आने वाली पीढ़ियां फिर क्या होगा, बैलगाड़ी पे चलना पड़ेगा उन्हें, साइकिल पे चलना पड़ेगा। तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना है कि हमारी आज की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ, फ्यूचर जनरेशन्स, वो भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संसाधन, खनिज संरक्षण के तरीके। हमने खनिज पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो खनिजों को कैसे बचाएं, खनिज संरक्षण का तरीका। पहला तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। दूसरा तरीका है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। भी देखो, जब नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसका हमें हमेशा फ़ायदा होता है। देखो, पुरानी टेक्नोलॉजी से अगर कोई फ्रिज बनाए तो ज़्यादा बिजली खाएगा, पुरानी टेक्नोलॉजी का एसी ज़्यादा बिजली खाता है। जब नई टेक्नोलॉजी का एसी आ जाता है तो वो कम बिजली खाता है। तुमने सुना होगा इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी में बिजली कम खाता है। पुराने ज़माने के पंखे ज़्यादा बिजली खाते थे, आजकल कम खाते हैं। पुराने समय के की गाड़ियाँ, कारें और स्कूटर, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती थी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो गाड़ियाँ कम पेट्रोल में ज़्यादा चलती हैं। तो हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे कि हमारी लागत तो कम हो और साथ के साथ उस टेक्नोलॉजी से हमारे संसाधनों का भी इस्तेमाल कम हो।
और यही बात हमारी ओर्स पे लागू होती है। जितने भी मेटल्स होती हैं, हर मेटल का ओर होता है। जैसे आयरन, आयरन ओर से निकलती है, लोहे के चूरे से लोहा बनता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट से बनता है, कॉपर है कॉपर ओर से बनता है, गोल्ड गोल्ड के ओर से बनता है। तो जो लो क्वालिटी का ओर होता है, अब आयरन का अलग अलग क्वालिटी का ओर आता है, किसी ओर में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी ओर में आयरन की क्वांटिटी कम होती है। तो जिस ओर में आयरन की क्वांटिटी कम हो, हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि उस ओर से भी, उस एस्क से भी हम चीज़ें बना पाएँ। देखो भाई, थर्ड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, रिसाइकल और रीयूज़ करना। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हम उनको ना रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। हिंदी में हम कहते हैं पुनर्चक्रण करें, पुनः प्रयोग करें। धरती के नीचे से हम लोहा निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादा एग्जांपल तो मैं लोहे की दे रहा हूँ, क्योंकि लोहा तुम्हें सब जगह दिखाई दे जाता है। धरती के नीचे से हम लोहा निकालते हैं, नया लोहा बनाते हैं, और उससे हम कीले बनाते हैं, टॉयज़ बना लेते हैं, उससे हम गार्डन बना लेते हैं, मकानों की खिड़कियाँ, दरवाजे, चौखट सब बना लेते हैं, और हमारा काम चलता रहता है। फिर हमें और चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम और लोहा निकाल लेते हैं, निकालते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसमें जो आयरन की आर्टिकल्स, जो आयरन की चीज़ें पुरानी हो गई हैं, हम उन्हें उसे उठा के फेंक देते हैं और नया लोहा निकाल के धरती के अंदर से और उससे नई चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने नया लोहा निकाल लिया। बजाय इसके हम ये कर सकते हैं कि हमारा जितना लोहे का स्क्रैप है, लोहे का जितना कचरा हमारे पास है, हम उस कचरे को, जिसको हम कबाड़ी को बेच देते हैं, वो रिसाइकल होने चला जाता है। उस लोहे को जब गलाया जाता है तो वो भी नए लोहे जैसा ही बन जाता है। पुराने लोहे में और नए लोहे में कोई भी फ़र्क ज़रा सा भी नहीं होता। लोहे को जब हम गला लेते हैं तो वापस से नया लोहा बन जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं, हम उन मिनरल्स का रिसाइकिल करें, हम उन मिनरल्स का रीयूज़ करें, ताकि हमें धरती के नीचे से नया लोहा कम से कम निकालना पड़े। देखो नेक्स्ट है, बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूट्स, अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग करना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उन मिनरल्स को यूज़ करने की बजाय उनका कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह हम कुछ और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करें। जैसे पेट्रोल की बजाय हम गैस का इस्तेमाल करें गाड़ियों को चलाने में, और गैस की बजाय हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, बिजली के वाहन चलाएं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम इन चार उपायों को अपना के खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, मिनरल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है भी ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। जो ऊर्जा के संसाधन हमारे होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, उनका हम संरक्षण कैसे करें, मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, तो अब इसमें हमें पहला मेज़र क्या दिया हुआ है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना। देखो भाई, यहाँ पर बात हो रही है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम कोयला जला के उससे बिजली बनाएं। तो जैसे हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ऊर्जा के संसाधन जैसे पेट्रोल है और कोयला है, इसकी बचत होती है। अगला हमारा है बेटा कि निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। ये देखो बड़ा रेवोल्यूशनरी सा कंसेप्ट है, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। एक इंडिविजुअल कार में, एक इंडिविजुअल बाइक में, कभी कभी तुमने देखा होगा पूरी बड़ी सी कार में एक आदमी जा रहा होता है, दो आदमी जा रहे होते हैं, उससे हमारे ना एनर्जी के रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ठीक है, वो आदमी अमीर है, अफोर्ड कर सकता है, कोई अकेला बाइक पे जा रहा हो, सब्जी लेने ही बाइक पे जा रहे होते हैं, ठीक
ठीक है आप अफोर्ड कर लोगे, आपके पास पैसा है, बट आप जिस पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो वो पेट्रोल 100 रुपये दे के आप उस पेट्रोल को जला रहे हो, 1 लीटर पेट्रोल आप खरीद लाए, बट वो पूरे ह्यूमंस का, पूरी मैनकाइंड का आपके पास एक खजाना बचा हुआ है, आप उसके ट्रस्टी हो, आप भले ही आप कंज्यूमर हो, आपने ख़रीद लिया है, लेकिन आप ऐसे उस पूरे पेट्रोल को जला कर, एक तो आप जला रहे हो, रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हो, दूसरा पोल्यूशन फैला रहे हो, तो उसी एनर्जी में, उसी ताकत से तुम देखो एक मेट्रो ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कितने लोग होते हैं, कई बार तो एक मेट्रो ट्रेन के अंदर 700-800 लोग भी होते हैं, 1000 लोग भी होते हैं, सोचो एक मेट्रो ट्रेन के चलने में और 1000 कारों के चलने में कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, एक मेट्रो ट्रेन, एक बस और एक कार, एक बस में लगभग लगभग 50 से 55 लोग होते हैं, वो भी जा रही है और दूसरी तरफ एक कार जा रही है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम प्राइवेट व्हीकल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने हमारे संसाधनों का, हमारे मिनरल्स का उतना ज़्यादा वेस्टेज होगा, और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो हमारे मिनरल्स की सेविंग होगी। नेक्स्ट है बेटा कि उपयोग ना हो तो बिजली के स्विच बंद कर दें, ये बहुत पुराना मेथड है, तुम लोग मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपना रहे होंगे कि इस्तेमाल ना हो तो बिजली के स्विच बंद कर दें, पानी वाला नल बंद कर दें, तो स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। फोर्थ है ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे एलईडी लाइट। देखो भाई एलईडी लाइट जो होती है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी लाइट बहुत कम बिजली खाती है, हम अगर कन्वेंशनल बल्ब जलाते हैं तो वो 100 वाट का होता है, पीले वाला जो बल्ब जलता है 100 वाट का, 60 वाट का, एलईडी लाइट 4 वाट 5 वाट, तो एलईडी लाइट बिजली को बहुत कम खर्च करती है, तो मैं एलईडी लाइट का यूज़ करें। नेक्स्ट, हमारे पास जितने व्हीकल्स हैं, हमारे जितने अप्लाइंसेस हैं, हम उनकी टाइमली सर्विस कराते हैं, हम उनकी रिपेयर कराते हैं, सर्विस कराने से वो पेट्रोल कम खाते हैं, बिजली कम खाते हैं और हमें ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, और हमारा पैसा भी बचेगा और एनर्जी तो सेव होगी होगी। आगे बेटा तुम्हें एक मैसेज दिया हुआ है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। देखो भाई तुम लोग भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एनर्जी को सेव करके, तुम जब भी एनर्जी बचाते हो तो मीन्स तुम एनर्जी को बना रहे हो। ठीक, अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। देखो तुम्हें सबसे ऊपर सबसे पहले यही दिया गया था, संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण क्यों आवश्यक है, तुम्हें इस पूरे पैरा में यही बताया गया भाई संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस वाले पैरा में तुम आराम से इसको पढ़ सकते हो, इसको समझ के लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे। देखो भाई आप लोग अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल, कैसे संरक्षण करोगे, तुम लोग भी बचा सकते हो ना खनिज संसाधनों को, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तो पुनर्चक्रण है कि हम अपने घर के जितने भी मेटल्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें कबाड़ी को बेचेंगे ताकि वो पिघला के दोबारा नहीं बनाई जा सके। ठीक, हम सतत और पोषणीय विकास करेंगे, यानी हम संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। यानी देखो इसमें बेटा बहुत सारे डायमेंशंस है, कुछ लोग है ना अपने घर की शान और शौकत दिखाने के लिए और करने के लिए अपनी नीड से ज़्यादा घर में बर्तन और क्रॉकरी और ये सब इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी संसाधनों की वेस्टेज है कि हम तो अपनी शान दिखाने के लिए बहुत सारी क्रॉकरी बहुत सारे बर्तन घर में ले आए हैं हमारी ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, जितनी ज़रूरत है उतने तुम घर में लाओ, उतनी चीज़ों को परचेज करो, ज़्यादा चीज़ें परचेज करने से भी हमारे रिसोर्सेज हमारे मिनरल्स की वेस्टेज होती है। नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को यूज़ करना, ऐसे भी तुम संसाधनों को बचा सकते हो। थर्ड है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा के उत्पादन है, कुछ उदाहरणों द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग फ्यू एग्जांपल्स। देखो ये तुम्हें ना लास्ट में जो दिया गया था इसके बारे में पूछा गया है, तो क्या तुम मानते हो ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा का उत्पादन है। हाँ बिल्कुल है, जैसे ही तुम ऊर्जा को बचाते हो, देखो ऊर्जा को तुम बिजली के रूप में ऊर्जा को बचाओ, पेट्रोल के रूप में ऊर्जा को बचाओ, कोयले के रूप में ऊर्जा को बचाओ,
तो गैस के रूप में ऊर्जा को बचाओ, तो जैसे आप ऊर्जा को बचाते हो तो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि तुमने वो ऊर्जा बचा लिया है, तुमने पैसा भी बचाया ऊर्जा भी बचाई। अगर तुम खुले एक बर्तन में खाना पकाते हो तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, गैस ज़्यादा खर्च होती है। अगर तुम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो तो ऊर्जा की बचत होती है, एक एग्ज़ाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल, तुम खाना बनाने से पहले दाल है चावल है उसको कुछ देर पानी में भिगो दोगे तो वो जल्दी बनेगी, ये भी ऊर्जा की बचत है। तुम लोग अपनी डेली लाइफ में सब कर रहे हो, घर में चार लोग हैं तो हम अलग अलग चार कमरों में ना बैठकर एक या दो कमरों में बैठकर पंखा चला सकते हैं, तो ये भी ऊर्जा की बचत है। घर के सब लोग एक साथ खाना खाएं, ये भी ऊर्जा की बचत है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में रोटियां बनती हैं या खाना बनता है तो एक ही साथ बनेगा तो उसमें एनर्जी कम खर्च होगी, और सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा या बार बार गर्म होगा तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। हमें थोड़ी दूरी पर जाना है तो हम अपनी स्कूटी बाइक या कार ना लेके जाएं, बदले हम पैदल जाएं, ये भी ऊर्जा की बचत है। हम जा रहे हैं एक ही रूट पे, दो पड़ोसी जाते हैं एक ही साथ, दोनों अलग अलग बाइक स्कूटर या कार में जा रहे हैं, इसकी बजाय वो पूल कर लें, कार पूल कर लें, बाइक पूल कर लें, कि दोनों एक साथ जाया करें, एक दिन एक की गाड़ी इस्तेमाल करें, दूसरे दिन दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल करें। हम अफोर्ड कर सकते हो तो भी हमें ऊर्जा को बचाना ही चाहिए, हमें संसाधनों को बचाना ही चाहिए, हमें खनिजों को बचाना ही चाहिए। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि हम अमीर हैं गरीब हैं, हम संसाधनों को खरीद सकते हैं। आप खरीद लोगे, आप खर्च कर दोगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? आगे आने वाली पीढ़ी के पास पैसा होगा लेकिन वो कहीं से ला ही नहीं सकता क्योंकि सब ख़त्म हो चुका होगा। तो अभी मैंने तुम्हें कई सारे एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन के आंसर को लिखने में तुम्हें हेल्प करेंगे। तुम इसके अलावा सोचो कि तुम और किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा को बचा सकते हो। ये पूरी वर्कशीट बेटा तुम्हारे खुद के बार बार सोचने के लिए है और पेरेंट्स से डिस्कस करने के लिए। इस वर्कशीट की बातों को पेरेंट्स से डिस्कस करना, सोचना हम कहाँ कहाँ पर ऊर्जा को खर्च करते हैं, हम बर्बाद करते हैं। कई बार हमारे घर में टीवी चल रहा होता है, हम ध्यान नहीं देते, इवन के स्टैंड बाय मोड पे, जब हम रिमोट से ऑन कर सकते हैं ना किसी डिवाइस को, तो वो स्टैंड बाय मोड पे होती है, तब भी उसमें बिजली की खपत हो रही होती है। हम उसे मेन से हमें बंद कर देना चाहिए ताकि बिजली की खपत ना हो। अननेसेसरी जब भी हम ऊर्जा को खर्च करते हैं, जब भी हम चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को फेंकते हैं, अपने वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं करते। वेस्ट का सेग्रीगेशन का मतलब है कि हम अपने कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, कुछ को हम दोबारा रिसाइकल, अगर हम अपने घर के लोहे की वेस्ट को कूड़े में डाल के और उसको दे देते हैं हम कूड़े वाले को, तो वो रिसाइकल नहीं होगा, हमें उसे अलग छांटना चाहिए, कबाड़ी को देना चाहिए, तभी वो रिसाइकल होगा। इस वर्कशीट को तुम्हें बार बार पढ़ना चाहिए, और जितना इस वर्कशीट को पढ़ोगे, अपने मन में इसकी बातों को सोचोगे, उतना तुम्हारे मन में क्लियर होने लगेगी। ये वर्कशीट केवल पढ़ाई के लिए नहीं, तुम्हारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है तुम सब लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वर्कशीट को आज ही करके इसके आंसर्स फ़ोटो खींच के मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं, और इस वर्कशीट को समझने में, करने में और किसी भी तरह से कोई दिक्कत अगर तुम्हें आती है तो तुम बिना हिचक मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। सब बच्चों के पास मेरा नंबर है, लेकिन हाँ, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।